हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीटी के प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस लेवल का एग्ज़ाम होता है और कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको खुद के बारे में बता दूँ। मायसेल्फ विशाल यादव, मैं कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, बेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और BIT बोर्ड से। गाइस, मैंने जेई मेंस दो बार क्वालिफाई किया है, यूपीटीयू भी दो बार क्वालिफाई किया है। पिछली बार 1600 रैंक थी मेरी, MMM गोरखपुर में 261 रैंक थी। दो बार इसका भी एग्जाम दिया है और दोनों बार भी क्वालिफाई किया है। इसके अलावा मैंने BHU ऑनर्स भी दो बार क्वालिफाई किया है, BHU में लास्ट बार 300 रैंक थी। इन सब के जो रिजल्ट हैं वो आपको हमारे चैनल पे किसी ना किसी वीडियो में मिल जाएंगे, आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, अगर आप MMM की तैयारी कर रहे हैं, MMM गोरखपुर, तो हमारे चैनल पे एक आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको MMM से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन के जवाब उसमें मिल जाएंगे। तो अगर आप MMM की तैयारी कर रहे हैं तो आप विजिट कर सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यूपीटीयू 2019 का सेट ए ही डिस्कस करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, और डिस्कस करते हुए ही मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं प्रूफ के साथ, क्योंकि ये 2019 का ही पेपर है, एक साल पुराना है, तो आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। उसमें जो जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और स्पेशली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो जो हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। इसके अलावा लास्ट टाइम की जो प्रिपरेशन होती है वो आपको किस प्रकार करनी है, कितने टाइम पे रिवीजन करना है, इसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। जब आप एग्जाम सेंटर पे जाते हैं तो आपको क्या करना है, इसके बारे में भी बताऊँगा। तो गाइस, आप सबसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, 2019 यूपीटीयू का सेट ए डिस्कस करते हैं। गाइस, इसमें सॉल्व करने का दो तरीका है। पहले वो क्वेश्चन जो कि एक कॉन्सेप्चुअल बेस होते हैं, जिनको देख के हम कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, उनको तो हम अभी ही सॉल्व करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन जो कि जैसे मैथ्स के हो गए बड़े बड़े क्वेश्चन, उनको अलग वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखिएगा, और आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहे इसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस, अगर आपने पहले यूपीटीयू का पेपर दिया हुआ है तो आपको पता होगा, नहीं तो आप देख सकते हैं जब आप स्टार्ट करेंगे पेपर वन तो यहाँ पे कोड लिखा होगा जिसको आपको अपने बुकलेट में आंसर शीट में भरना होगा। यहाँ पे उत्तर शीट क्रमांक रहता है। इसके अलावा डिक्लेरेशन आपको पढ़नी होती है, मैंने पृष्ठ संख्या एक पर दिए गए निर्देशों को पढ़ के समझ लिया है। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको मिलेगी जो कि शायद किसी पेपर में ना होती हो, ये बस ये वेरीफाई करने के लिए किया जाता है कि मान लीजिए कभी इन फ्यूचर आप पे कोई मतलब जैसे नकल वकल करने का कोई ऐसा शक पाया जाता है तो आपको वेरीफाई किया जाए आपके राइटिंग से कि आपने ही एग्ज़ाम दिया था। उसके लिए कुछ लाइनें ये होती हैं, इनको अपने राइटिंग में सेम ऐसा ही यहाँ पे लिखना होता है, उसके बाद ये इतना काट के जमा हो जाता है, बाकी पेपर आपको मिल जाता है। जब पेपर आप स्टार्ट करेंगे तो जैसा आपको पहले से ही पता होगा कि इसमें 50 फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के, 50 मैथमेटिक्स के होंगे। गाइस, यहाँ सेट अलग अलग होने का मतलब ये है, कुछ सेट में क्या होता है कि पहले केमिस्ट्री से स्टार्ट होती है, कुछ फिजिक्स से, कुछ मैथ से। इसके अलावा उनमें कुछ अंतर पाया जाता है, जैसे किसी किसी में ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो 15 है वो नंबर 1 पे रहेगा, 1 15 पे रहेगा, 17 18 पे रहेगा, 18 17 पे रहेगा,
मतलब नंबर चेंज होते हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये आसपास जो बच्चे बैठे हैं वो ऐसे सीट मिला ना सके, मतलब चीटिंग ना कर सके। तो गाइस फिजिक्स का हम लोग पेपर स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं आपको टॉपिक बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं रिसेंटली, उनको आपको ध्यान रखना है और उनकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करनी है क्योंकि इनसे क्वेश्चन आता ही है। ये देखिए इरर का है, एक त्रुटि करके चैप्टर होता है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जो कि होता है डेल्टा एल बाई एल। मतलब देखिए इसमें दिया गया है कि घनत्व मापन में अधिकतम प्रतिशत को घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन है। पहले द्रव्यमान में निकालेंगे, द्रव्यमान में निकालने के लिए डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 करेंगे। डेल्टा एल यहाँ से मिल जाएगा 0.001 और एल का मान 0.1 है। डेल्टा बाई एल इंटू 100 करके निकालेंगे द्रव्यमान में, और यहाँ पे त्रिज्या दिया गया है और लंबाई दिया है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी थी कि त्रिज्या जो है वो मिलीमीटर में दिया गया था और लंबाई सेंटीमीटर में। इसको अगर यहाँ पे आप ग्राम है तो आपको एक ही पद्धति में लाना पड़ेगा, या तो आप इसको किलोग्राम बना लें फिर एम पी एस सी में ले आए, या तो फिर सी जी एस में ला सकते हैं। तो आपको लंबाइयों का ध्यान रखना है, और क्योंकि तार है तो ये बेलनाकार होगी, तो यहाँ से आप बेलन का जो है आयतन निकाल सकते हैं क्योंकि आपको त्रिज्या दिया है और आपको लंबाई दी है, तो पाई आर स्क्वायर यल होता है, जहाँ पे यल उसकी लंबाई यल मान सकते हैं या यच मान सकते हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर आएगा इसका 4%। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ये आया हुआ है फ्रिक्शन से, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर सी है। तीसरा क्वेश्चन है जो कि प्रक्षेप गति से आया है। प्रक्षेप गति भले ही एक छोटा चैप्टर हो पर मतलब इम्पॉर्टेंट है, हर एक एंट्रेंस एग्जाम में आपको इसके क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। इसके अलावा अगला न्यूटन लॉ से क्वेश्चन आया है। ये भी न्यूटन लॉ का क्वेश्चन है, ये जो है ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार किस ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में, एक केपलर का दूसरा नियम है, और आपको पता है कि जो उसका मतलब मिलाने वाली रेखा सितय क्षेत्रफल वो कोणीय संवेग को मतलब दर्शाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोणीय संवेग। एक क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए रोटेशन मोशन से, रोटेशनल मोशन से क्वेश्चन आया है। ये आया है सरल लोलक से, यानी SHM से, ये हीट से आया है क्वेश्चन। ताप बढ़ाने पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव, आप सभी को पता होगा, घटता है। तो गाइस कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो देखते ही हल हो जाते हैं, पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो इस वीडियो में अगर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। रेनॉल्ड संख्या का बीमीय सूत्र समान है घर्षण गुणांक के, आप निकाल सकते हैं। ये बीमीय विश्लेषण का क्वेश्चन है। गाइस जो स्टार्टिंग में इरर और बीमीय विश्लेषण होते हैं, ये मतलब स्कोरिंग पार्ट होते हैं, छोटे चैप्टर होते हैं और आप अच्छे से इनको स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा ये सब क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। ये आया है फ्लूइड मैकेनिक्स से, और ये भी हीट का क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स का। इसके अलावा ये 14 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। एक आदर्श एक परमाणु गैस को दाब आयतन चित्र में प्रदर्शित ABCD के परिता ले जाया जाता है, पृथ्वी चक्र के दौरान कृत कार्य। कृत कार्य आप जानते ही होंगे कि क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए आप इसकी लंबाई निकाल लीजिए पहले, तो 2b - b आ गया, और इसकी चौड़ाई निकाल लीजिए 2p - p आ गया। अब लंबाई पूरे चौड़ाई, ये तो आयत या वर्ग का क्षेत्रफल यही होता है, वर्ग में लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, इसकी त्रिज्या का स्क्वायर हो जाता है, इसमें अलग अलग होते हैं इसलिए यल और बी हो जाता है। तो यल आ गया आपका बी, लंबाई और चौड़ाई आ गई बी, तो b × b, ये आंसर पहला आंसर हो जाएगा। दो तारीख के अनुसार तरंग 4000 और 6000 पर अधिकतम विकिरण उत्सर्जित करते हैं, उनके ताप का। तो आप जानते हैं जो तापों का अनुपात होता है वो उनके तरंग दैर्ध्य के अनुपात के
व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो 6000/4000 हो जाएगा, तो हजार हजार कट जाएगा, 6/4 यानी 3/2 ये वाला ऑप्शन होगा। ये देखिए कार्बन इंजन के से ही आया है, मदद के लिए सेकेंड लॉ से कर सकते हैं आप। ये भी हीट क्वेश्चन है, उसमें आप पार्टमन की अधिकतम दर अधिकतम होती है विकिरण में, विकिरण यानी रेडिएशन में, जैसे कि हमें सूरज से गर्मी प्राप्त होती है। ये भी देखिए हीट से ही क्वेश्चन आया है। तो गाइस इन सबको देख के ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हीट जो है हमारा चैप्टर उससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। आप देख सकते हैं 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन। तो अगर आप हीट वाला पार्ट अच्छे से कर लेते हैं तो आप UP2 में 6 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए बीप के लास्ट चैप्टर से एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी बीप का ही क्वेश्चन है। इसी माध्यम में ध्वनि तरंगों की चाल निर्भर नहीं करती। देखिए जो फार्मूला होता है उसमें टेम्परेचर भी होती है, आर्द्रता का भी घटक होता है और हवा की डायरेक्शन पर भी निर्भर करता है, तो दाब नहीं होता, तो दाब हो जाएगा सही आंसर। और ये भी देखिए बीप का क्वेश्चन है। इसके अलावा एक अनुसमान धातु चालक के स्थित धारा प्रवाहित होती है, चालक की लंबाई के परिता केवल धारण नियर। आप देख सकते हैं बेब से 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन आया है, तो बेब भी 6 क्वेश्चन हीट से है, 4 क्वेश्चन बेब से है, तो आप बेब भी अच्छे से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं अब यहाँ से इलेक्ट्रोडायनामिक्स या फिर आपका स्थिर वैद्युतिकी ये सब स्टार्ट होता है। ये भी देखिए एक क्वेश्चन 25 थ्योरेटिकल है। एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित किया जाता है तथा आवेशन बैटरी को फिर हटा लिया जाता है, मतलब जो हमारा ऊर्जा है उसको हमने संरक्षित कर लिया, ठीक है। तो अब एक प्रावैद्युत पट्टिका को प्रवेश बीच में प्रवेश कराया जाता है, तो अब जब उसको बीच में प्रवेश करा देंगे तो इसके लिए एनर्जी लॉस हो जाएगा, तो संधारित्र से संबंधित ऊर्जा घट जाएगी। अब यार ऊर्जा क्यों घट जाती है, इसका जो सही मतलब है इसलिए इसकी ऊर्जा घटती है क्योंकि जब कोई भी पट्टिका बीच में हम प्रवेश करा देंगे तो कुछ जो है उसकी एनर्जी उसको ध्रुवित करने में खर्च हो जाती है, इसलिए संधारित्र से संबंध ऊर्जा घट जाती है। ये भी देखिए इलेक्ट्रो से ही क्वेश्चन है। विस्थापन धारा प्राप्त होने का कारण है, देखिए अगर आपने पढ़ा होगा कि जो वैद्युत धारा उत्पन्न होती है वो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की वजह से होती है, तो इसका उल्टा भी सही होता है कि अगर हम वैद्युत क्षेत्र को परिवर्तित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन होता है और जो उस टाइम जो धारा प्राप्त होती है उसको विस्थापन धारा बोलते हैं। तो विस्थापन धारा प्राप्त होने का कारण समयावर्ती वैद्युत क्षेत्र। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी इलेक्ट्रो से आया हुआ है, तो गाइस इलेक्ट्रो भी काफी मेन पार्ट है इसका। एक नैनोमीटर दूरी स्थित एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित विद्युत का द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है जो हम लोग निकालते हैं Q × 2L। 2L दो गुना लंबाई नहीं होता बल्कि दोनों आवेश के बीच की दूरी टोटल 2L होती है। तो एक नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होगा, तो Q जो आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन का आप सभी को पता है 1.6×10⁻¹ कूलाम होता है, 19 कूलाम MKS में है, 19 ×10⁻¹⁹ और 10⁻¹⁹ ये हो गया 28, दोनों 18 28 हो गया, तो ये सी वाला ऑप्शन आ गया 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम मीटर। इसके अलावा एक ये भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं इलेक्ट्रो से ही आया, वह ताप जिसके ऊपर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ अनचुंबकीय हो जाता है कहलाता है थ्योरी ताप। तो वैसे क्वेश्चन है जो कि मतलब देखते ही हो जाते हैं और आपके नॉलेज पे बेस्ड नहीं होते हैं, बल्कि इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपने मतलब NCERT वगैरह कितना क्लियर किया। NCERT में ये सब चीज़ें काफ़ी क्लियर दी होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र का ये मैग्नेटिक से ये क्वेश्चन हो गया, यही मैग्नेटिक से हो गया।
आपको एक अमीटर, एक धारावाहिक तथा एक वोल्ट मीटर दिया जाता है। उनमें से अधिकतम प्रतिरोध वाली वोल्ट मीटर है, क्योंकि वोल्ट मीटर का काम दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज मापन होता है, धारा नहीं होता, इसलिए उसका प्रतिरोध न्यूनतम होता है। ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आया, मतलब फार्मूले पर आया, सौ प्रेरकत्व का मात्रक है जो वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर हो जाए, अणुधाराएं उत्पन्न होती है जब एक धातु को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। आप सभी को पता है लेंज का नियम आधारित है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, आपको क्लास 10th से ही पढ़ाया जाता है। अब देखिए इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, ये दोनों ही चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी क्वेश्चन आए। अब हम ये आ जाते हैं फाइनली ऑप्टिक्स, ये देखिए 37 नंबर ए ऑप्टिक्स से आया क्वेश्चन है, वेव ऑप्टिक्स से 1:4 तीव्रता अनुपात के दो कला संबंध, इसका जो फार्मूले पर ही बेस है, जो फार्मूला होता है √I1 + √I2, यही होता है ना, का होल स्क्वायर अपान √I1 - √I2 का होल स्क्वायर, दोनों बटे में रहते हैं। तो गाइस अधिकतम जो होता है √I1 + √I2 का होल स्क्वायर होता है, तो अधिकतम आप देखिए निकाल सकते हैं √I1 करेंगे 1, 2 दोनों को जोड़ेंगे 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और जब आप घटाएंगे इनको आप I2 में से भी I1 को घटा सकते हैं या I1 में से I2 को घटा सकते हैं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होता। तो 2 में से √4 मतलब 2 में से 1 जाएगा 1, तो 9:1 आ जाएगा, देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी सिंपल ही है, बस आपके नॉलेज पे आया हुआ है। ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चन आता है, इसके अलावा सूक्ष्म राशि वगैरह से भी क्वेश्चन आता है, ल्यूमेन मात्रक है, ये आपके बस नॉलेज पे भी क्वेश्चन है कि आपने मतलब उस चैप्टर को कितना पढ़ा है। और एक क्वेश्चन देखिए 42 नंबर, जब I0 तीव्रता का अध्रुवित प्रकाश, गाइस ये बात याद रखिए जब भी कोई अध्रुवित प्रकाश पोलराइड से गुजरता है तो उसकी तीव्रता हमेशा I0/2 हो जाती है, ये आपको जानना ही चाहिए, जो कि एक फार्मूले के तरीके होता है, और ये सीधा सीधा आपका क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाएगा। लेंसों का अवर्धक संयोग बनाया जाता है, एक उत्तल लेंस तथा एक अवतल लेंस को मिला। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आया है क्वेश्चन, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तार फलन वाली कॉन्सेप्चुअल है क्वेश्चन, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तार फलन वाली एक धातु की सतह को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाला प्रोटॉन से प्रकाशित किया जा रहा है, जबकि उसका जो कार्य फलन है वो 3 है, तो गाइस यहाँ से इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा, और जब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा शून्य है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही आया है क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, 10th में नगीन प्रकाशन या कोई बुक है उसमें काफ़ी क्लियर करके दिया गया, किसी नाभिक का जो द्रव्यमान घनत्व होता है उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, जितना कि लिथियम का होगा उतना ही यूरेनियम का होगा, तो D0 पे मतलब A पे डिपेंड नहीं करता, द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता उसका द्रव्यमान घनत्व, ये आपको ध्यान रखना है, केवल इसी एग्जाम में नहीं हर एक एग्जाम में आपके काम आएगा। ये रेडियो एक्टिव चैप्टर से आया है, रेडियो एक्टिविटी से। अब यहाँ से सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन चालू होते हैं, एक बिना बायस पीएन संधि डायोड के आवश्यक तत्व इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही नहीं होते, क्योंकि वो मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन लेजर पुंजों का गुण नहीं है, असंगत, जो लेजर पुंज होती हैं वो बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होती हैं, एक कलर की होती हैं, दिशात्मक, बस लास्ट वाला ऑप्शन गलत होगा कि असंगत होती है। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, चित्र में प्रदर्शित लॉजिक गेटों के संयोजन में लॉजिक अवस्था की निविष्टता AB = 1 है, देखिए AB एक कौन सा गेट है, नॉर गेट है, AB A1+1, अब बुलियन अलजेब्रा 1+1 होता है, 1 का अपोजिट जो हो गया 0 हो गया, A यहाँ से 0 आया, पहला 0 हो गया, और C का मान क्या है 0, तो 0 0, और यहाँ A NAND गेट है, 0 0 0 हुआ एंड अब क्योंकि NAND है तो 0 हुआ, बाद में 1 हो जाएगा, तो इसका D का मान आ जाएगा 1, A ऑप्शन हो जाएगा B वाला सही। तो गाइस ये रहा फिजिक्स का पेपर, मैंने डिस्कस किया, इसके बाद हम केमिस्ट्री क्या करेंगे, तो इसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको
जो है अगर आप कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको तैयारी करनी चाहिए छोटे छोटे टॉपिकों की, जैसे कि ये बीमा वाला चैप्टर हो गया और इरर का चैप्टर हो गया। इसके अलावा ये जो लास्ट में चैप्टर होते हैं जैसे मॉडर्न फिजिक्स हो गया, पूरा एक कम टाइम में आपको काफ़ी अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। तो पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रेडियो एक्टिविटी, ये सब सेमीकंडक्टर लेके और लास्ट में लॉजिक गेट लेके, ये सब काफ़ी कम टाइम में किए जा सकते हैं और काफ़ी अच्छा आउटपुट आपको दे सकते हैं। इसके अलावा वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और वेव थ्योरी, इलेक्ट्रो, पूरा मैग्नेटिक, तो ये सब चैप्टर्स। इसके अलावा हीट, गाइस हीट तैयार करना ना भूलें, इनको तैयार करके आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैकेनिक्स आप लास्ट में पढ़ें तो ही अच्छा होगा। जो मैकेनिक्स के सिंपल चैप्टर हैं जैसे SHM हो गया, ग्रेविटेशनल हो गया, इन सबको आपको काफ़ी अच्छे से तैयार कर लेना क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। गाइस इन सब का काफ़ी डिटेल में मैं पूरा एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। अब हम केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो देखिए रसायन शास्त्र केमिस्ट्री आपकी दिया, निम्न में से किसका उदाहरण है? देखिए इसमें अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया जो है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया को हिंदी में बोलते हैं असमानुपातन अभिक्रिया। टेस्ट है अब ये वाला जो है केमिकल इक्विलिब्रियम से आया हुआ है क्वेश्चन, सॉल्व कर सकते हैं आप। ये वैद्युत अपघट्य चैप्टर जो कि जिसमें सेलो वगैरह के बारे में जानकारी दी जाती है उससे है। 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसकी रेखीय आकृति नहीं है? तो CH3 में देखें, जो कार्बन होता है इसके बाहर कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर गाइस यहाँ पे देख सकते हैं एक तो प्लस लगा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 3 बचे। इसके अलावा 3 बॉन्ड बना लिया, जब 3 बॉन्ड बना लिया तो फिर भाई वो रेखीय रह ही नहीं गया, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। H2O, HF और NH3 के क्वथनांकों के घटा के मान का घटता हुआ सही क्रम है। तो गाइस क्वथनांक इसमें ऐसे देख सकते हैं कि जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज़्यादा संख्या होंगी उनमें सबसे ज़्यादा मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जल में, आप सभी जानते हैं, उसके बाद HF में, तो NH3 में जो हाइड्रोजन बॉन्ड का क्रम है वही ये क्वथनांकों का भी क्रम होता है। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन की आक्सीकरण संख्या का मान -1? तो CaH2 में देख सकते हैं इसमें हाइड्रोजन की आक्सीकरण, Ca जो है कैल्शियम है, ये कभी धातु कभी निगेटिव ऑक्सीडेशन अवस्था में नहीं होती, +2 ये हो जाएगा तो -2, 2 हाइड्रोजन -1 -1, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड कार्बन द्वारा अपचयित? तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी के द्वारा डिसाइड किया जाता है, आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी अगर पता होगा तो आपको पता होगा कि बी वाला ऑप्शन सही। एसिड बेस से एक क्वेश्चन आया हुआ है, केल्विन समीकरण निम्नलिखित में से किसमें समीकरण किससे संबंधित? तो आप सभी को पता है कि द्रव के ताप को ज्ञात करने के लिए केल्विन समीकरण का यूज किया जाता है, नायलॉन 66 संघनन बहुलकीकरण से बना होता है, हम सभी को पता होता है। इसके अलावा IUPAC से भी क्वेश्चन आता है, IUPAC का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें देखिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, क्रियात्मक समूह है तो यहाँ से करेंगे पहले 1, अब 2 इधर नहीं जाएंगे, 2 के लिए जाएंगे CH3, क्योंकि हम सबसे पहले देखते हैं कि जो पास में हमारे है प्रतिस्थापी है वो नदी की तरफ से पड़ रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5 क्लोरो और 2 पे मिथाइल हो गया साइक्लोहेक्सेनॉल इसका नाम। इस क्वेश्चन को 65 को सॉल्व करने के लिए पानी होता है, जैक्सन का सेम 2X को पानी होता है।
आराम से सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूले से 15% आएगा। गाइस ये 2019 का पेपर है और 2019 का पेपर मैंने दिया था, काफ़ी अच्छा रैंक था मेरा, एक अच्छा कॉलेज मिल सकता था, पर मेरा उसी टाइम BIT का एग्जाम क्लियर हो गया था तो मैं उसमें चला गया, क्योंकि BIT और UPTV के कॉलेज का कोई कंपटीशन नहीं होता है। अगर आप लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल करना चाहते हैं तो आप हमेशा ऐसे कॉलेज चुनिए। अगर आपकी आर्थिक कंडीशन अच्छी है या फिर अच्छी नहीं भी है, तब भी आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाएं, क्योंकि देखिए सच्चाई यही है कि जो अच्छे कॉलेज होते हैं उनमें आपको चांसेस ज़्यादा मिलते हैं और आप उन बच्चों के साथ कंपटीट करेंगे जो कि कहीं ना कहीं वो टॉप करके ही आए होते हैं। तो ऐसे बच्चों में आप कंपटीशन करके आपके ग्रो करने के चांस होते हैं। यही रीजन था कि 261 रैंक पाने के बाद भी मैं MMM गोरखपुर में नहीं गया था, क्योंकि वहाँ पे शायद वो लेवल का कंपटीशन नहीं मिल पाता फिर गाइस। और दूसरी बात, UPTU के जो कॉलेज हैं या फिर पूरे UP के कॉलेज जो गवर्नमेंट लेवल के हैं उनसे मतलब BIT काफ़ी ऊंचे रैंक पे हैं। आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो MMM गोरखपुर है 88 रैंक पे है और जो BIT का कॉलेज है वो 16 या 17 रैंक पे आता है, तो कितना ज़मीन और आसमान का अंदर था, इसलिए मैंने BIT को चुना। बाकी UPTU के कॉलेज की भी मैं बुराई नहीं करता, काफ़ी अच्छे कॉलेज हैं, अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पे आप सक्सेसफुल बनेंगे। 25-25 लाख तक के पैकेज तो MMM से भी जाते हैं, आप मेहनत करके ले सकते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बस मैं आपको जो एक्चुअल पॉइंट है उससे अवगत करा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये रेडियो एक्टिविटी से है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु के इलेक्ट्रॉनों का उचित विन्यास है? तो देखिए इसमें देखते हैं, उचित विन्यास नहीं है, तो यन का मान 3 है, एल का मान 2 है, जेम का मान -3, यहीं से देखिए गलत है, यस ए वाला ऑप्शन गलत हो गया। निम्नलिखित में से किस गैस के अणुओं के वेग का मान अधिकतम होगा? जो गैस वेग होता है वो समानुपाती होता है 1/ मॉलिक्यूलर वेट, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है पर मेनली मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है, हाइड्रोजन का सबसे कम होता है तो इसका वेग सबसे अधिक कम हो जाएगा। एक अभिक्रिया की ताप की धारिता का परिवर्तन में से किस पर निर्भर नहीं करता? हेज का नियम होता है, अगर आपने पढ़ा हो तो, मध्यवर्ती अभिक्रियाओं पे डिपेंड नहीं करता। ये रिएक्शन है, काफी टाइम लेगा, आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन। ब्लीचिंग पाउडर में एक ऑक्सो एसिड का लवण संगठक के रूप में होता है, इस ऑक्सो एसिड का एंड्राइड होगा Cl2O होता है, आप सभी को पता होगा। ये चीज़ें रटने वाली हैं, जो क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं बस मैं उन्हीं को सॉल्व कर रहा हूँ, अभी आप देख सकते हैं इसी से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 3 घंटे का वीडियो कौन देखेगा, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, बस वही क्वेश्चन जो कि आपके जल्दी होने वाले हैं वही कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इनको, आप वीडियो पॉज करके आप इनको सॉल्व भी कर सकते हैं। कह रहा हूँ आंसर भी मैंने टिक लगा दिया है सबका। मेलिकाइट और एजुराइट काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, जो मेलिकाइट का होता है CuCO3.CuOH का होल चॉइस होता है, जबकि जो एजुराइट का संगठन सूत्र होता है वो 2 आ जाता है, यहीं पर 2Cu मतलब 2 मॉलिक्यूल होते हैं, 2Cu3.CuOH का होल चॉइस। IUPAC नाम इसका लिख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण रखता है? चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला गाइस आप सभी को पता होगा, √Nm+Pm है, आयोगी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा आयोगी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे Mn+2, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। डाई एल्यूमिनियम सॉल्ट आपको सभी को पता है मेनली क्लोराइड से बनता है, क्लोराइड जो कि हैलाइड ग्रुप में आता है, हैलाइड सही हो गया। गाइस बायो मॉलिक्यूल से भी इसमें क्वेश्चन आते हैं, मेरा बनाने का मकसद यही है जिससे आप रियल क्वेश्चन पेपर देख सकें अच्छे से, उसको समझ सकें, क्योंकि एक जो एक फॉर्म होता है वो दिमाग में आपके आना चाहिए कि क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, किस लेवल के होते हैं। निम्नलिखित में से किस अम्ल की pA का मान न्यूनतम है? pKa
ए का मान न्यूनतम है, इसका मतलब कि ए का मान अधिकतम है, तो अधिकतम जिसमें सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, CCl3COOH हो जाएगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं आप, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोनिल यौगिक सर्वाधिक ध्रुवीय होगा, माइनस आई वाला सबसे ज्यादा होगा। अब देखिए इसमें CH3 जोड़ते जा रहे हैं, CH3 जिसका प्लस आई इफेक्ट होता है इसमें नहीं है, इसलिए इसी का होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अस्थायी है, सर्वाधिक अस्थायी जिसमें कि प्लस आई ग्रुप कम से कम हो, लास्ट वाले में प्लस आई ग्रुप सबसे कम से कम हो, इसलिए ए होगा। और गाइस दूसरा रीजन जो सबसे मेन रीजन है कि इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव जो कि ऑक्सीजन है उस पर निगेटिव चार्ज लगा हुआ है, ए वाला ऑप्शन सही होगा। द्रव्य हाइड्रोजन को गैसीय हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बनों के मिश्रण में निम्नलिखित में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, भंजन के द्वारा, चलाया गया था डबल बॉन्ड अल्टरनेट ऑर्डिनेट बॉन्ड, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वाहनों से निकलने वाले धुएं में सर्वाधिक हानिकारक धातु प्रदूषण है, लेड आप सभी को पता है, ये वाला क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हैं। सिलिकॉन्स है, कार्बन क्लोरो झीलेन के जल अपघटन से प्राप्त होगी। देखिए इनके आकारों का क्रम, सही क्रम तो सबसे ज्यादा जो निगेटिव आयन होते हैं जिनके जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो तो उसमें देखना चाहिए, सबसे ज्यादा निगेटिव चार्ज किस पे है तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पे है, फिर क्लोराइड पे, फिर ये दोनों जो हैं ये न्यूट्रल है, फिर इनका नंबर आएगा। सामान्य विजनकारक पदार्थ CaCl क्लोराइड होता है क्योंकि ये जो पानी के साथ मिला के CaOH का होल ग्रुप बना लेता है। गोल्ड सॉल नहीं है, एक बहुआणविक क्लोराइड उसमें अड़ू मतलब आपस में मिलके नहीं बनते, अलग अलग ही रहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में से किसके साथ वास्तविक पदार्थ बनाती है, निकल के साथ। गाइस अब आ गया है मैथ का पेपर, तो मैथ का पेपर तो हम लोग मतलब ऐसे ही सॉल्व नहीं कर सकते, आपको मैं पेपर दिखा देता हूँ, आंसर दिखा देता हूँ, आप पॉज करके उसको कोशिश कर सकते हैं। वैसे ये रहा यूपीटी 2019 का पेपर, और मैं प्रिपरेशन टिप्स की बात करता हूँ, तो गाइस इस टाइम में आपको एक काम करना है कि आपको सिलेबस का एक वीडियो मैंने बनाया है उसमें आप जाके भी देख कर सकते हैं, आपको सिलेबस आप देखा होना चाहिए कि मतलब कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने उस टॉपिक से मुझे बताए हुए हैं, आपको उनको ध्यान में रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा आपको दो ऐसे पेट्रोलियम से भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, तो आपको नेट वगैरह से उसके बारे में भी मतलब नॉर्मल जानकारी रख लेनी है। और गाइस अभी मतलब लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो अभी आपके पास टाइम है इसको पॉजिटिव तरीके से लें, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को दें, और जितने भी गाइस जितने भी चैप्टर हैं आप सबको मतलब किसी भी चैप्टर को अगर आप अच्छी रैंक पे पहुँचना चाहते हैं तो छोड़ने की भूल ना करें, आप जिस लेवल का भी कर सकते हैं उनको करने की कोशिश करें। इसके अलावा आपको अगर आपने NCERT से तैयारी की है तो आप उसको बार बार रिवाइज करें, और जितने भी फार्मूले हैं आप उनको
कई बार लिखें, कॉपियों में लिखें और रोज लिखें, उनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है वो तो आपकी सही ही होनी चाहिए, जिससे आप एक अच्छे रैंक तक पहुँच सकते हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।